कोरोना का रिवर्स गियर, नया स्ट्रेन कितना घातक। डरा रही कोरोना की नई लहर, क्या फिर टूटेगा कहर। न्यू कोरोना पहले से 8 गुना ज्यादा मारता है। कोरोना की नई लहर, वैक्सीन का कैसा है असर। फिर बढ़ा कोरोना का ग्राफ, सकते में राज्य और केंद्र सरकार। महाराष्ट्र में कोरोना संकट, 10 महीने बाद फिर स्थिति विकट। दिल्ली कोरोना के ढेर पर बैठी, अभी और कितने होंगे संक्रमित। एमपी में भी कोरोना रिटर्न, सरकार ने उठाए सख्त कदम। नया स्ट्रेन, नया पेन। ये नया स्ट्रेन बेहद ज्यादा खतरनाक है और फिर से लोगों को डरा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास शो जो कि आपको जागरूक करेगा। देश में कोरोना का एक बार फिर से अटैक होने वाला है क्या, ये सवाल सभी के जहन में फिलहाल बन रहा है, क्योंकि कई राज्यों में कोरोना तेजी के साथ पांव पसार रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट से मुमकिन है कि फिर से वहां संपूर्ण लॉकडाउन लग जाए, तो फिर दिल्ली में भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ लोग अब बिना मास्क और बिना किसी सावधानी के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हम जो तस्वीर आपको दिखाएंगे वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं कोरोना के खिलाफ हम ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार तो नहीं हो रहे। के वो 8 राज्य हैं जहां कोरोना ने फिर से एंट्री मारी है। देश में कोरोना के जितने भी मामले आ रहे हैं उनमें से 95% इन्हीं राज्यों से हैं। 50% की आबादी वायरस के टारगेट पर है। कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने के बावजूद कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। वायरस का ये नया पैटर्न राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी चौंका रहा है। भारत कई दिन से कोरोना के टॉप 10 ही नहीं बल्कि टॉप 15 देशों वाले लिस्ट से बाहर था, लेकिन अब औसतन 15,000 मरीजों के साथ भारत कोरोना की डेली लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। मतलब साफ है कि कोरोना का रिवर्स गियर लग चुका है। सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है जहां 21 अक्टूबर के बाद यानी करीब 125 दिनों के बाद एक दिन में 8,000 से ज्यादा मामले सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। महाराष्ट्र के बाद अब कोरोना के ढेर पर बैठी दिल्ली का हाल जान लीजिए। यहां कोरोना के खिलाफ लापरवाही चरम पर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही यात्रियों ने कोरोना गाइडलाइन को इतिहास बना दिया है। आधे से ज्यादा यात्री बगैर मास्क के घूमते दिखे। दिल्ली का ये हाल तब है जब 26 फरवरी की आधी रात से 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक दिल्ली में महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से आने वाले लोगों को निगेटिव RT-PCR दिखाने पर ही एंट्री मिलेगी।
कोरोना को लेकर सरकार के प्रयास भी तभी असरदार साबित होंगे जब हम वायरस के खिलाफ गंभीरता से जंग लड़ेंगे। कई राज्यों में कोरोना दोबारा से बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, उन राज्यों में दिल्ली भी आता है। हालांकि बहुत ज्यादा स्थिति खराब नहीं है, बहुत ज्यादा केसेस एकदम नहीं आए, लेकिन कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं दिल्ली में भी। जो 150 से नीचे आ गया था आंकड़ा, वो अब लगातार बढ़ रहा है। उसकी वजह भी यह है कि बहुत सारे लोग नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। जो लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, वो ये ना भूलें कि इस बीमारी से फिट और हट्टे कट्टे लोगों की भी जान गई है। कोरोना किसी को भी हो सकता है और वायरस के अटैक से कौन बचेगा और कौन नहीं, ये कोई नहीं जानता। इसलिए सावधानी और वैक्सीन ही इसका सर्वोत्तम उपाय है। निष्ठा श्रीवास्तव के साथ वर्षा राय, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कोरोना की वैक्सीन आई, ऐसा लगा कि अब जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन होगा और शायद हमने कोरोना के खिलाफ ये जंग जीत ली है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, कहीं हम ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार तो नहीं हो गए, कहीं हमने एहतियात में कोई ढिलाई तो नहीं कर दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी लापरवाही ही अब हमारे लिए मुश्किल बनकर सामने आ गई है। क्योंकि केसेस की संख्या तमाम राज्यों में एक एक करके बढ़ती चली जा रही है। महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के मौजूदा आंकड़े क्या कहते हैं वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। दिल्ली के आंकड़े जब 24 फरवरी से शुरुआत हुई, हम आपको आप कैसे बताएं कि फरवरी में जब 200 नए केस आए तो दिल्ली की टेंशन बढ़ गई। हालांकि 115 मरीज ठीक भी हुए हैं, दो की कोरोना की वजह से मौत हो गई। ये 24 फरवरी के आंकड़े रहे। उसके बाद 25 फरवरी जब 220 नए केस सामने आए, 188 रिकवर होकर घर लौट गए, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। वहीं 26 फरवरी के आंकड़े जब 256 लोग कोरोना पॉजिटिव होकर सामने आए, 193 लोग रिकवर हुए, एक की भी मौत नहीं हुई। ये कुछ दिन के आंकड़े हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं ताकि आप जान सकें कि जब ना के बराबर केसेस आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोरोना से निजात पा चुके हैं, तब ये केसेस की संख्या बढ़ गई है। राजस्थान का समझिए, 24 फरवरी जब 99 नए केस सामने आए, 90 मरीज रिकवर होकर ठीक होकर घर लौट गए। 25 फरवरी 128 नए केस सामने आए, 124 ठीक भी हुए। 26 फरवरी जब 149 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 125 लोग ठीक भी हुए, एक की मौत हुई। हम लगातार कह रहे हैं कि रिकवरी रेट हिंदुस्तान का बेहतर है, लेकिन ये केसेस की संख्या जो बढ़ रही है वो फिक्र वाली बात है। अब ऐसे में चूंकि मैंने कहा महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई और अब धीरे धीरे तमाम राज्यों तक फैल रहे हैं, उन बाकी राज्यों के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन मुंबई से अभिषेक शर्मा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से केसेस की संख्या बढ़ रही है, महाराष्ट्र सरकार तो फिक्रमंद है ही, लेकिन अब धीरे धीरे बाकी राज्यों तक भी कोरोना वापस लौट रहा है, उधर सरकार की तरफ से इंतजाम क्या किए गए हैं? क्या हम समझें कि जिस तरीके से केसेस की संख्या बढ़ रही है, संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, देखिए इस बात की तो घोषणा खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दी थी पिछले रविवार को, जब वह जनता से मुखातिब हुए थे फेसबुक के जरिए, और उन्होंने साफ साफ कहा था कि 8 दिन का अल्टीमेटम दिया, 8 दिन अब कल पूरा हो जाएगा, यानी कल रविवार को 8 दिन पूरा हो जाएगा। तो अब देखना यह होगा कि क्या उस बारे में फैसला लिया जाएगा। इस बीच बता दूं आपको कि 1 मार्च से महाराष्ट्र का बजट सेशन भी शुरू हो रहा है। हालांकि बजट सेशन अमूमन 1 महीने का होता है, लेकिन इस बार सिर्फ 10 दिन को रखा गया, जिसके लिए विपक्ष ने हंगामा किया हुआ है कि सेशन दिन और बढ़ाया चाहिए। तो इसी बात को लेकर देखिए, जितने भी नियम बनाए जाने चाहिए वो नियम लगातार बिल्कुल बनाए तो जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, देखिए सबसे अहम बात यह है कि मुंबई की अगर हम अकेले बात करें, मुंबई में जो लोकल ट्रेन चल रही है, जो BST की बसें चल रही है, उसमें इतने यात्री भर भर कर आ रहे हैं कि जैसे पहले, जैसे आम कोरोना के पहले दिनों में जो लोकल ट्रेनों भर के लोग आते थे, उसी तरीके से लोग भरे हुए इस वक्त भी आ रहे हैं। इससे साफ पता लगा जाता है किस तरीके से लोग बेखौफ हैं। सरकार लगातार नियम तो बना रही है, सच्चाई यह भी है कि रेलवे स्टेशन पर ना तो आपको एक पुलिसोला मिलेगा, ना तो एक TT मिलेगा, ना तो मास्क पे फाइन करने वाला कोई एक ऐसा BMC कर्मचारी मिलेगा। अलाउंस में तो कर दिया गया कि घोषणा कर दी गई कि हाँ सब कुछ आपको ट्रेनों में जो मार्शल जाएंगे लोगों को फाइन मारेंगे। सच्चाई यह है कि सब स्टेशन तक सीमित रखे रह गए हैं। ट्रेनों के अंदर जब से अनाउंसमेंट हुआ है, मैं भी ट्रेन में सफर करता हूं, एक भी मुझे मार्शल दिखा देखने को नहीं मिला। तो सच्चाई यह है कि लोग तो बेखौफ है, लोगों को डर नहीं था कि पहले
रिपोर्ट में बता ही रही थी कि लोग इसको लाटली ले रहे हैं। सच्चाई है कि उसको लाटली की आवश्यकता नहीं है और यही वजह है कि सरकार भले ही नियम बना रही है लेकिन जनता को भी इसके बारे में सहयोग देना पड़ेगा। शासन प्रशासन इंतजाम काफी नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कोई ढिलाई या लापरवाही शासन प्रशासन की तरफ से रह गई, लेकिन हमें ये जानना होगा जो कोरोना काल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो आपकी और हमारी ही है। हमें एहतियात बरतना है, हमें खुद को सिक्योर रखना है, तभी कोरोना कंट्रोल हो पाएगा। मुंबई से अभिषेक हमारे साथ जुड़े थे, दिल्ली के आंकड़े हमने आपको बताए, लेकिन धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी इसी तरह से केसेस की संख्या बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में लोग कैसे एहतियात बरत रहे हैं या फिर क्या लापरवाही बरती जा रही है, कुलभूषण की रिपोर्ट आपको बताएगी। तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 102 नए मरीज मिले हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार मध्यप्रदेश के जो तमाम जिले हैं जहां पे संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वहां के कलेक्टर से बातचीत कर रहे हैं। इंदौर, भोपाल, बैतूल, जबलपुर, छिंदवाड़ा में विशेष सावधानी बरतने के जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मध्यप्रदेश में अब लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही जल्द ही जो है मध्यप्रदेश सरकार द्वारा रोको टोको अभियान चलाया जाएगा, जो भी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे उनको रोका जाएगा, उनको टोका जाएगा, उनके खिलाफ सख्त चालानी कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हम मार्केट में मौजूद है क्योंकि संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में चालानी कार्रवाई जो है पुलिस प्रशासन करता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसके साथ ही जो महाराष्ट्र से लगे जिले हैं, महाराष्ट्र बॉर्डर से जो लगे जिले हैं छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, बैतूल, वहां पे सख्त एक अभियान चलाया जा रहा है और जो भी गाड़ी मध्य प्रदेश में एंट्री कर रही है उन गाड़ियों की एंट्री की जा रही है, जो भी व्यक्ति है उनकी उनको चेक किया जा रहा है, उन्हें सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और वहां पे उनका चेकअप हो रहा है, उसके बाद ही जो है शहर के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के हित के लिए एक बड़ा फैसला और कड़ा फैसला ले सकते हैं। फिलहाल में अभी यह जानकारी मिल रही है कि जो नाइट कर्फ्यू है मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में दोबारा शुरू होगा और इसके साथ ही जो मार्केट है, जो बाजार है, वो जल्द ही बंद किए जाएंगे। जब लॉकडाउन लगाया जाता है या फिर नाइट कर्फ्यू लगाया जाता है तो बड़ी आपत्ति होती है हम लोगों को, लेकिन ये भी समझिए कि आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ऐसा होता है। दिल्ली से संवाददाता पुलकित नागर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, मौजूदा स्थिति क्या बताती है कोरोना के केसेस को देखते हुए? दिल्ली सरकार कुछ एहतियात बरत सकती है क्या, कुछ और नए प्रोटोकॉल बना सकती है क्या? देखिए, पुराने ही प्रोटोकॉल अगर ठीक से लागू किए जाएं, यानी कि ठीक से एजेंसियां उनका पालन करें, तो उसके जरिए भी दिल्ली सरकार ने बहुत बड़ी राहत ली थी। कल दिल्ली के अंदर 256 नए मामले थे। अगर हम पुरानी बातें करें तो करीब 15 दिन के अंदर ये मामले बढ़े हैं, पहले करीब 150 तक ये मामले पहुंच गए थे जो अब 256 पे वापस आए, यानी कि हर दिन करीब 100 लोगों की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इसे बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं मान रही दिल्ली सरकार, लेकिन ये इशारा जरूर है कि अगर लापरवाही इसी तरीके से चलती रही तो आने वाले दिनों में मामले और बढ़ेंगे। जी, मामले और बढ़ेंगे। आप जैसे कि पुलकित ने कहा भी कि दिल्ली सरकार की तरफ से पहले से नियम बनाए गए हैं, अगर उन्हें फॉलो किया जाए तो कोरोना के इस बढ़ते प्रकोप से बचा जा सकता है। नया स्ट्रेन चूंकि बहुत ज्यादा खतरनाक है, नए स्ट्रेन से हमें बचना जरूरी है, कोरोना का खात्मा जरूरी है, और ये हम तभी कर सकते हैं जब एक साथ मिलकर हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, नियमों को माने, सुरक्षा का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया पुलकित नागर और अभिषेक शर्मा इस ताजा अपडेट को हमारे साथ साझा करने के लिए। अंत में यही कहेंगे कि 3 नियम बेहद जरूरी, मास्क आपको पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और हाइजीन का ख्याल रखिए, तभी कोरोना हार पाएगा। एक कोरोना पर अब सीधी जंग की शुरुआत होने जा रही है क्योंकि अब वैक्सीन के लिए जनता का नंबर आ गया है। एक तरफ देश के 8 राज्यों में कोरोना फिर से सिर उठा रहा है तो ठीक उसी वक्त कोरोना पर वार करने की मुकम्मल तैयारी भी हो चुकी है। पूरे देश में एक साथ जनता के लिए कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। बड़े वैक्सीनेशन के लिए देश में बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर क्या है सरकार का एक्शन प्लान।
पहली मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन दी जाएगी। 45 साल से ज्यादा उम्र वाले ऐसे लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी जिनको कोई बीमारी है। 10,000 सरकारी सेंटरों में वैक्सीनेशन फ्री होगा। 20,000 निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में आपको कीमत चुकाकर टीका लगवाना होगा। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या देश में लगभग 27 करोड़ है। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला यह है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद अब 27 करोड़ बुजुर्गों को टीका लगेगा ताकि आपके घर के बुजुर्ग सुरक्षित रह सकें। आपके सहयोग की भी जरूरत रहेगी। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द।